Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Students Health Institutes. Dear friends, today I just start a practical, that is practical is named the respiration in the case of the fishes. आज हम लोग बात करने वाले हैं फिश के केस में रेस्पिरेशन रेट को निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं चंद मिनट में कि फिश में कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करेंगे। जैसे ये होगा ब्यूरेट का स्कैन, साथ ही साथ हम कुछ केमिकल का यूज करेंगे, साथ ही साथ एक होगा आपके लिए जार। दूसरी चीजें होंगी जिसे हम लोग कहेंगे पीपेट, इसके लिए हम लोग एक केमिकल निकालने के लिए यूज करेंगे। फिलहाल हमने सबसे पहले क्या किया हुआ, एक घंटा पहले ही एक फिश को लेकर के इसमें रख दिए हैं ताकि रेस्पिरेशन वो करे और रेस्पिरेशन के फलस्वरूप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसी वाटर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इस वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले करना ये है कि जो वाटर होगा जिसमें रेस्पिरेशन रेट के फलस्वरूप ऑक्सीजन कम हुआ है, इसमें से सम अमाउंट ऑफ द वाटर हम लोग एक बीकर में ले लेंगे। सबसे पहले इसमें से कुछ मात्रा में वाटर जो है हम लोग बीकर में लेंगे, अप्रॉक्स 200 ml। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बिल्कुल 200 ml वाटर लिए और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ केमिकल का यूज करके इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का भी काम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने लिया हुआ है जो कि एल्कलाइन आयोडेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको जो दिखता है एल्कलाइन आयोडेट सॉल्यूशन, और नेक्स्ट जो आपको सॉल्यूशन दिखेगा मैग्ना सल्फेट, ये सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और अगले जो सॉल्यूशन हमें यूज करना है एक और, जिसे हम लोग कहेंगे H2SO4, H2SO4 की सॉल्यूशन को भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वाटर एस्पायर वाटर है, इस एस्पायर वाटर में थोड़ी सी केमिकल लेते हैं जिसका नाम है मैग्ना सॉल्यूशन, इसको हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा मात्रा में। मैग्ना सॉल्यूशन इन द रेस्पायर वाटर, एंड नाउ सम अमाउंट ऑफ द एल्कलाइन सॉल्यूट आल्सो टेक द इन द केस ऑफ द रेस्पायर वाटर। आप देख सकते हैं हमने जब दोनों ही केमिकल लिया बीकर में तो इसका कुछ चेंजेस हुआ, आप समझ सकते हैं। इसको सबसे पहले थोड़े से हम लोग मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने की वजह से ये जार बहुत छोटा है, इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। और इसे मिक्स करने के लिए एक मिनट इसे शेक करेंगे। And now after some time when I shake this and added a small amount of water, 1 ml the sulfuric acid into it. इसमें हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा या फिर 1 ml तक अप्रॉक्स सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे इस रेस्पायर वाले सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही 1 ml ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन का कुछ कलर चेंज होगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के पश्चात हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं, टाइट्रेशन स्टैंड को तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइट्रेशन स्टैंड है और ये है ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमने भरा हुआ है सोडियम थायोसल्फेट। ब्यूरेट में क्या भरे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट को लेकर के इस स्टैंड का सबसे पहले हम लोग को लेना है ये टाइट्रेशन स्टैंड, और इस टाइट्रेशन स्टैंड से हमें सेट कर लेना है टाइट्रेशन को या फिर ब्यूरेट को। और इस ब्यूरेट में हम लोग जो केमिकल फिल किए हुए
हुए हैं। इस केमिकल का नाम है सोडियम थायोसल्फेट और इसी को लेकर के हम इस केमिकल के साथ टाइट्रेशन करते हैं। आइए सीखते हैं कि टाइट्रेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले करेंगे कि हम लोग जो हमने ऑलरेडी केमिकल तैयार किया हुआ है, जो सॉल्यूशन रेस्पायर वाटर का सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं, इसमें से अप्रॉक्स 50 ml वाटर टाइट्रेशन करने के लिए रखेंगे। 50 ml तो हमने 200 ml तैयार किया हुआ है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना लेना है, 50 ml के छोटे वाले बीकर में लेना और लेकर के करना क्या है, टाइट्रेशन करना है। देख सकते हैं हमने बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रख लिया है रेस्पायर वाटर का और इसकी सापेक्ष हम लोग करने वाले हैं इसका टाइट्रेशन। और इस टाइट्रेशन स्टेप में जो हमने केमिकल भरा हुआ है, जो फील किया हुआ है, इस केमिकल का नाम है सोडियम थायोसल्फेट। आइए टाइट्रेशन करते हैं और निकालते हैं सोडियम थायोसल्फेट कितने रीडिंग पे इसको कलरलेस कर देता है। ध्यान रखेंगे टाइट्रेशन करते समय हमेशा ही थोड़ा सा इसे में ऐड करके इसे सेक कर देते हैं पहले। और जैसे ही थोड़ी ही समय में जब इसका कलर चेंज होने लगता है, तो कलर चेंज होने के पश्चात ही इस टाइट्रेशन को स्टॉप करके इसमें स्मॉल अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में हम लोग ग्लूकोज का सोल्यूशन ऐड कर लेते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐड करते हैं ग्लूकोज का सोल्यूशन। 1 ml ऑफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ऐड कर चुका है और साथ ही साथ फिर से पुनः इसे टाइट्रेशन करने का प्रयास करेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने रेस्पायर वाटर लिया था, ये बिल्कुल ही कलर प्लेस हो गया। स्टार्ट। आप देख सकते हैं हमने इस सॉल्यूशन को कलरलेस कर दिया है। अर्थात कहने का मतलब है इसमें से सोडियम थायोसल्फेट जितना ऐड हुआ है उतना ही रेडिंग इसका स्केल है। इस रेडिंग के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं, इस रेडिंग को पहचान करके कि इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, जिससे जो मछली है उसने कितना कंज्यूम किया है।